लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मर्जी आए तब उठा दो, ये कोई पार्टी का झंडा नहीं है, ये रेलवे गेट है, गाड़ी टकराएगी तो सीधे इलाहाबाद पहुंचा देगी। तुम कहाँ? तब तक शादी का मुहूर्त निकल जाएगा भाई। शादी किसके घर? भवानी प्रताप सिंह के घर। अरे रे रे, फटे उठाओ, फटे उठाओ। अरे ठाकुर साहब के नाम से तो रेलगाड़ी तो क्या हवाई जहाज भी रुक जाएगी। काजल का भाई कोई धोती कुर्ता वाला गवार होगा सोच रही थी, पावरफुल आदमी लगता है। बैठ के सपना देख रही हो, जल्दी जल्दी काम करो। हाँ, गेट डाउन गर्ल्स फास्ट। ए, लेडी स्पेशल बस आ गई है, स्पेशल स्वागत करना होगा। बेकार की बातें मत करो, स्वागत कैसे करना हम नहीं जानते क्या? अरे, अरे ये तुझे क्या हो गया? ये जन्नत की परियां जमीन पर कैसे उतर आईं? अगर तुमने एक्स्ट्रा फिटिंग लगाई तो आंखें निकाल कर हाथ में थमा दूंगा। भवानी भैया क्या कर गए हैं कि मेहमानों को अच्छी तरह देखा जाए? वही तो कर रहा हूँ, अच्छी तरह देख रहा हूँ लड़कियों को। पधारिए पधारिए पधारिए। मैम साहब का सामान उठाओ, सामान उठाओ। तो तू क्या उठाएगा? चुप कर, ज्यादा भौंकने लगा है, ये सफर में काफी थक गई होंगी। आइए हाथ धो लीजिए। आओ आओ सब अपने पैर धो लो, यही तो पानी है। लोटा में पानी दे, अच्छी तरह उठा के धो लीजिए। कुछ नहीं, रेशम का लहंगा है ना, कहीं खराब ना हो जाए इसलिए उठा के धोने के लिए कह रहा हूं। वो सब हम जानते हैं। क्यों बे, उस लड़की का पैर देखने का प्लान है? नहीं यार, मैं देख रहा था कहीं ये चुड़ैल तो नहीं, चुड़ैलों का पैर जमीन पे नहीं है। सुनो, दुल्हन का भाई कहाँ है? जानते हो कि नहीं? क्या देख रहा है रे? तुम जानते हो? मुझे भी मारिए तो ही मैं बताऊंगा। वो क्यों? ये हमेशा ऐसा ही है, मार पड़ने पर ही कुछ करता है। इस गांव में सब अजीब लोग हैं। मुझे मारिए ना। अब बोलो, दुल्हन का भाई कहाँ है? बाप रे, हाथ तो बड़ा तगड़ा है यार। ये क्या भाई, हम दुल्हन काजल की क्लासमेट्स हैं। एक सवाल किया तो जवाब क्यों नहीं देते? निमंत्रण पत्र देने के लिए गई हैं। हम जब आ रहे थे उसके नाम को लेकर बहुत बड़ा बिल्डअप हुआ था, लेकिन वो खुद न्योता देने गया है। ठीक है, कम से कम दूल्हे को तो दिखाओ। रोज इस तरह नजर उतारने की आदत तुम कभी नहीं छोड़ोगी? अपने बाप दादाओं की तरह आप भी घुड़सवारी करते हैं ना, उसी तरह ये इस घराने की औरतों की आदत है, इसलिए मैं आपकी नजर उतार रही हूँ। तुम कौन हो लड़की? ठाकुर राय बहादुर सिंह जी हैं। पिताजी, कल जरूर मैं ही जीतूंगा। देखते हैं। दबा के करना। अच्छा हुजूर। नमस्ते जी।
गौरीगंज से आ रही हूँ, ठाकुर भवानी प्रताप सिंह की बहन हूँ। और तुम्हें क्या बेटी, निमंत्रण पत्र है? जी हाँ, कल सुबह मेरी शादी होने वाली है। अरे वाह, आजकल दुल्हन खुद निमंत्रण पत्र बांटने लगी हैं। मैं यहाँ निमंत्रण पत्र देने या शुभ समाचार सुनाने नहीं आई हूँ। तो फिर कोई अशुभ समाचार सुनाने गौरीगंज से जौनपुर तक पधारी हो? अगर ये बात मैंने आपको नहीं बताई तो इससे कई ज्यादा अशुभ समाचार आपको सुनने पड़ सकते हैं। रुकिए भैया, ये लड़की काजल है, मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। रुक क्यों गए, दीवानों की तरह मेरे पीछे पड़े थे, ये भी बताओ। मेरे भैया ने मेरी शादी तय कर दी है, बताने के बावजूद कल रात को भी तुमने मुझे बेकार का प्रेम पत्र दिया था, ये क्यों नहीं बताते हो? ठहरो, क्यों अशोक, ये प्रेम पत्र तुमने ही लिखे थे? जी हाँ डैड। तो ये क्या, इस लड़की ने तो तुम्हारे प्रेम पत्रों को तुच्छ मानकर जलती आग में झोंक दिए। कहते हैं मैं उसे पसंद नहीं। तुम्हें ये लड़की पसंद है? जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। जब हमारा अशोक कहता है कि उसे ये लड़की पसंद है तो वो किसी और से कैसे शादी कर सकती है? ठीक है, देखो लड़की, अब समझ लो हमने तुम्हें यहीं पर रोक लिया तो क्या होगा? अगर आपको तीसरा विश्व महायुद्ध देखने की ख्वाहिश है तो रोक लीजिए। ओ, तुम्हारे पीछे इतनी बड़ी ताकत है? मेरे भैया हैं। क्या? एक तुम्हारे भैया काफी है? मेरे भैया अगर अकेले खड़े हो जाते हैं तो समझ लीजिए पूरा स्टेट उनके साथ है। ओ, इतनी बड़ी हस्ती है, मुझे रोक के तो देखिए। बहुत खूब। मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। महालक्ष्मी जी, इसे अंदर ले जाके बिठाओ। सर सर सर, जल्दबाजी मत कीजिए, हमारी दिल्ली लाइन कट हो जाएगी। हमने भी इसी माटी में जन्म लिया है, दिल्ली की लाइन कटती है तो कट जाने दो, स्वाभिमान की लाइन नहीं कटनी चाहिए। सुनो लड़की, तुम्हारे भैया के आने से पहले तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, ठीक है? भीतर जाओ। ठाकुर साहब, इनके भाई को आपने क्या समझ रखा है? गंगाराम, ये भैया से मिलना चाहते हैं, जाओ बुला लो। जी। काम हो जाएगा। नमस्ते। हाँ नमस्ते। मिनिस्टर साहब हैं? आप कौन है, क्या है, बताए बिना मिनिस्टर है क्या पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? मेरा नाम है एस भवानी प्रताप सिंह। इतने सारे एस? जी हाँ, शिवशंकर सत्य भवानी प्रताप सिंह। गांव? गौरीगंज, वही प्रतापगढ़ में जहाँ युद्ध हुआ था, झील के पास, वही गाँव। मिनिस्टर साहब को पहचानते हो? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत। इतने करीब के पहचान वालों को मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तुमसे क्या मिलेंगे? अभी अभी उठे हैं, ब्रश नहीं करना, शेव नहीं करना, स्नान नहीं करना, बदन नहीं पहुंचना, कपड़े नहीं पहनना, फिर पूजा नहीं करनी। गौरीगंज से एस 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 भवानी प्रताप सिंह आया है, बोलिए। उसके बाद उन्होंने भी इसी तरह की लिस्ट बताई, तो ये न्योता मैं यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। बाप रे बाप, तुम जैसे लोग आगे सुबह सुबह दिमाग चाट लेते हैं। सर हाँ? सर आपकी जो मीटिंग है ना। अरे ये क्या, मुझे ब्रश भी नहीं करने दोगे? वैसे वीआईपी बैठे हुए इसलिए। वीआईपी वो कौन है? जस्टिस खुराना साहब, पार्टी के जिला प्रमुख शर्मा जी, डीजीपी श्रीवास्तव और। अरे ये सब वीआईपी कब हुए, चुपचाप बैठने के लिए बोलो। ठीक है साहब, मंत्री जी बिजी है कहकर उस प्रतापगढ़ वाले को भी वापस भेज देता हूँ। अरे सुनो, प्रतापगढ़ वाला हाँ, वो कौन है? इतना कोई खास आदमी नहीं लगता है, कोई निमंत्रण पत्र देने आया है। क्या नाम बताया? यस यस यस, भवानी प्रताप सिंह जी। हाँ वही, गौरीगंज गांव का। अरे तेरा दिमाग खराब है, असली वीवीआईपी जब आए हैं तो किसी जज या चेयरमैन के नाम पहले क्यों रख रहा है? सर सर सर, आप इस तरह मत भागिए, इंतजार कर रहे हैं। चुप कर, भवानी प्रताप सिंह जी आया, तुमने मुझे खबर तक नहीं दी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते सर जी। अरे तुम लोग मुझसे भूल हो गई ठाकुर साहब, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए ना। एक मिनट ठाकुर साहब, मैं अभी आया। हाँ बैठे ठाकुर साहब, जल्दी मंदी में कुर्ता पहनना भूल गया था। एक फोन करते तो पल भर में गौरीगंज आ गया होता। आप ये क्या कह रहे हैं, अपनी बहन की शादी में आपको बुलाना मेरा फर्ज है ना? ये क्या करे ठाकुर साहब, आप नहीं बोलते तो मुझे एक भी वोट मिलता क्या? आपकी दया ना होती तो मैं मंत्री थोड़े ही बनता। और हाँ, आपके लिए गवर्नमेंट गेस्ट हाउस बुक कर दिया है। शादी प्यारा, गेस्ट हाउस की क्या जरूरत है, मैं शामियाने में ही रहूंगा। आपके कदम मेरे घर पे पड़े, मैं धन्य हो गया ठाकुर साहब। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ
आप भी शादी में जरूर आइएगा। गलती होगी, माफ कर दीजिए भवानी प्रताप सिंह जी। एस 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 भवानी प्रताप सिंह, शिवशंकर सत्य भवानी प्रताप सिंह। तुम सब चुप क्यों? क्या हुआ तुम्हें ये सब क्यों? तुम क्या कोई सगे संबंधी हो? तुम कौन हो? शादी में आए हैं, दुल्हन के भाई का इंतजार कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? अरे ये क्या, तुम इस गांव के हो, प्रॉब्लम क्या है हमसे पूछ रहे हो? लगता है दावत खाने आए हो, वहाँ परोस रहे, जाके खा लो, हमारी बला टल जाएगी। ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हो? क्यों, तुम क्या मेरे शौहर हो जो रोज जा रहे हो? यहाँ हम सब दुल्हन की फिक्र कर रहे हैं। काजल को क्या हुआ? अरे ये तो जान खा रहा है, पता नहीं शादी में कहाँ से आ टपका। जनाब काजल गायब है, राय बहादुर सिंह के घर हाउस एरेस्ट में है। तुम सच कह रही हो? ये सच कह रही है, आपकी बहन वही है, ये बताने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। लो खा लो। क्या हुआ, खा लो। मुझे क्या खाना है, कब खाना है, ये फैसला मेरे भैया आके करेंगे। ने सच ही बोला था, चाल तो बेशक शेर का है। नमस्ते ठाकुर राय बहादुर सिंह। तुम ही हो भवानी प्रताप सिंह? एस 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 भवानी प्रताप सिंह, शिव शंकर सत्य भवानी प्रताप सिंह। बहुत खूब। तुम्हारे ही राह देख रहे थे, हमने तुम्हें रिश्ता जोड़ने के लिए बुलवाया। तुम हो कि युद्ध करने की भांति पूरी पलटन के साथ आए हो। कुछ लोगों के पीछे दौलत होती है तो कुछ लोगों के पीछे प्रजा होती है। हम एमपी हैं, हमारे पीछे भी जनता है, सियासती नेता हैं। आप सियासती नेता की तरह नहीं, गुंडों के नेता की तरह पेश आए हैं। तुम्हारी बहन हमारे बेटे को पसंद है। जिस लड़की की शादी होने वाली है उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ये आपको शोभा देता है? मेरी बहन ने कहा कि वो उसे पसंद करती है। क्या लोगों ने पसंद करके हमें एमपी बनाया, खुद वोट छाप के बना है। रिगिंग और बेगिंग सियासत में काम आता होगा, पर शादी ब्याह में काम नहीं आता। हमारे पास 1000 एकड़ जमीन है, गरीबों से छीनी हुई। हमारे पास 25 मीले हैं, वो भी हराम की हैं। रुपए इतने पड़े हैं कि उन पर दीमक लग रहा है। वही दीमक तुम्हारे चरित्र में भी लगी होगी, देख लेना। क्या समझ रहे हो अपने आप को? तुम्हारी बहन मुझे अच्छी लगी, प्यार किया, लव लेटर्स दिए तो मुंह पे मार दिया उसने। लड़की पसंद आई तो लड़की के पास नहीं जाते बेवकूफ, उसके माता पिता के पास जाते हैं। ये संस्कार तुझ में नहीं है, ये जानकारी काजल ने तेरे मुंह पर फेंक के मारे। इसीलिए तुम्हारे निमंत्रण पत्र को तुम्हारे ही मुंह पे मार के जिस आग में उसने मेरे प्रेम पत्र जलाए उसी आग को साक्षी मानकर तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन से मैं शादी करने वाला हूँ। सूर्य चंद निकलने पर एक दिन पूरा होता है, 2 दिलों के मिलने पर एक शादी होती है। 10 सर वाला रावण भी नाकामयाब रहा एक सीता का दिल जीतने में। तू क्या और तेरी औकात क्या? यही बात हम तुमसे पूछते हैं, तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या? इनकार किया तो अंजाम क्या होगा जानते हो? क्या समझता है मुझे, मुझे क्या समझता है? पवित्र क्षत्रिय वंश में जन्मा हूँ, रोजाना चंद्रकेश भगवान की पूजा करता हूँ, मेरी मुट्ठी में ब्रह्मास्त्र की शक्ति है, अगर मुट्ठी खुल गई तो तेरा कलेजा फट जाएगा। हमारे गांव में हमारे घर में आकर हमी को चुनौती देता है, यही मेरा स्टाइल है। कौरीगंज का नमक मिर्च मिलाकर मैं भोजन करता हूँ,
जो प्रतापगढ़ में पैदा होता है उस मर्द के मुंह पर ही नहीं, कन उंगली देखोगे तो उस पर भी मूछें दिखाई देंगी। मूछें और खुददारी हम में भी है, इतने बड़े मर्द हो तो अकेले आना चाहिए था ना, इतने लोगों को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? दरअसल वो आए हैं कि तुम मेरे हाथ मार खा के जौनपुर से जुमरी तलैया तक किस तरह भागते हो ये देखने के लिए। तुम अगर अकेले आए होते तो तुम्हें अभी तक धूल चटा दिया होता। जन्म देने वाली माँ की कसम, खून देने वाले बाप की कसम, मैं अकेला ही आऊंगा। तुम्हारी बात क्या है, अकेले आओगे या एक के बाद एक आओगे या सब मिलके एक साथ आओगे? द चॉइस इज योर्स। अरे आना, अपने पैरों में चाकू बांधे बिना ही दुश्मन की जान लेने वाले बुर्को के लिए मशहूर प्रतापगढ़ की रणभूमि से आया हूँ। चाहो तो लाठी ले लो या तलवार ले लो, चाहो तो बंदूक ले लो या फिर बम ले लो, बाप बेटे मिलकर भी आ सकते हो। तुमने हाँ कर दी तो फिर देर नहीं करूंगा, सॉरी सॉरी या नहीं नहीं कहने पर भी नहीं छोड़ूंगा। खून सिर पर चढ़ गया, अब खोपड़ी भी उड़ जाएगी। पुरानी कहावत आ बैल मुझे मार का मतलब आज तक मालूम नहीं था, अब मालूम पड़ा, घर बुला के मार खा रहा है। लेटर लिखना तो दूर, अब शादी करने के लायक भी नहीं रहेगा। उम्र क्या है? 58 सर, बाल काले किए हैं, ऊपर से शुगर पेशेंट है, जख्म हो गया तो बेमौत मरेंगे। प्रतापगढ़ में पैदा होने वाला असली मर्द बुजुर्ग पर, बच्चों पर और औरतों पर हाथ नहीं उठाता है, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। वोट पैसे से मिल जाते हैं लेकिन मर्दानगी नहीं मिलती है। लीजिए ना। अरे मंत्री जी, ये क्या कर रहे हैं? इस घर की शादी में मैं सेवा कर सकूं, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। आप हमारे अतिथि नहीं, प्रजा के प्रतिनिधि भी हैं। आपसे काम करवाना हमारे लिए अपमान की बात है। दीजिए, खाने का समय हो गया, जाके देखो इंतजाम हुआ कि नहीं। देखेंगे और खाएंगे भी। सॉरी, लगा क्या? बिल्कुल, मैं तो साइड से ही जा रहा था, फिर कैसे लग गया? मेम साहब, मेरा नाम खुशीराम है, मैं आयुर्वेदिक वैद्य हूँ। लगता है आपको कहीं कुछ लगा है, कहो तो इलाज कर दूं। ये दवा देंगे, मैं लगा दूंगा, बताइए दर्द किस? ये दर्द मुझे अच्छा लग रहा है यार, इलाज की जरूरत नहीं। अबे ओए ओए, हे रश्मि, श्रुति को क्या हुआ? वो तो भवानी प्रताप सिंह से मिलने के बाद बिल्कुल बदल गयी। समझ गया मैम साहब, समझ गया। छींकने का मतलब है जुकाम हो गया है, कोई बात नहीं, मेरे पास इलाज है। तुम्हारे इलाज से तो हाँची, अरे छींकना ही बेहतर होगा। अरे मुझे कोई इलाज नहीं चाहिए, मुझे ऐसा ही अच्छा लग रहा है। यही अच्छा लगता है? चलो चलो, कबाब में हड्डी क्यों बने? अरे हड्डी तो है, मैं नहीं। ए, तुम क्यों नहीं जाते? अब क्या हुआ,
तुम्हें लगना जा सोच के मैं एक गज दूरी पे चल रहा हूँ, ऐसा क्या लगा जो वही माँ कह रही हो? तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम्हारी हवा लगना काफी है। अबे जा। अब एक गज चलो 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 काजल की विदाई का समय हो गया, जाके देखो गाड़ी तैयार है कि नहीं। जाओ 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 जी तुम भी साथ में जाओ। अच्छा भैया। ओए माँ। चाहने वालों को जब याद करते हैं तो दिल में मीठा सा दर्द होता है। जो दर्द शादी के बाद होना चाहिए वो तुम्हें शादी से पहले क्यों हो रहा है? वो दर्द कहाँ है मैं जान गया यार। बता, मैं तेल मालिश कर देता हूँ। ये दर्द तेल मालिश करने से ठीक नहीं होगा। पहले आँखों से, फिर होठों से, फिर तन से तन की मालिश करनी होगी यार। यही इस इलाके का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। What? What नहीं, वाटरफॉल। What nonsense! इसे हमारे अमेरिका में ड्रेनेज कैनाल कहते हैं श्रुति। वाटरफॉल्स माने नाइगा। Oh, what's happening? हेलीकॉप्टर की बॉडी शेक हो रही है। अमेरिकन हेलीकॉप्टर भी खटारा हो जाता है। कोई इंडियन कार आ रही है, लिफ्ट मांगो। Hey, it's me, RJ Singhania from America. Hey, stop, stop, stop. भवानी प्रताप सिंह आ रहे हैं। Stop, stop, please. Hello, RJ Singh. How are you? Not fine, man. मेरी हेलीकॉप्टर ब्रेकडाउन हो गया। हवा निकल जाने से सब कुछ बेकार हो जाता है। हमेशा हवा में उड़ते रहते हो ना? हवा ज्यादा हो जाने से खराब हो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं लिफ्ट देता हूँ, आ जाओ। वेट 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 वेट। इसके पहले दो लोगों से लिफ्ट मांगा था, दे डिडंट गिव। तुमसे लिफ्ट मांगा नहीं लेकिन तुम दे रहे हो। बिन मांगे माँ भी खाना नहीं देती है मैन। बिन मांगे सूरज रोशनी देता है, बिन मांगे बादल पानी देता है। क्या तुम्हारे मांगने पर ही तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया मैन? शरीर बढ़े कोई बात नहीं, शक को मत बढ़ने दो। मदद करने के लिए अच्छा मन चाहिए। कल्चर कलरफुल ड्रेस में नहीं होता है, इंसान के अच्छे मन में होता है, और वो हम हिंदुस्तानियों में है। प्रतापगढ़ में जन्मे हर एक आदमी में है। विलायती बाबू हो ना, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है। हेलो आरजी, तुम भी चलो। कहाँ? लिफ्ट मांगी थी ना। तुम मुझे लिफ्ट दोगे तो मेरे हेलीकॉप्टर को कोई शिफ्ट कर लेगा। क्या बात है, अपने आप हंस रहे? वो आपसे शादी करने के लिए ही इंडिया आया ना। जी हाँ। तो फिर जितनी फिक्र उसे हेलीकॉप्टर की उतनी आपकी क्यों नहीं है? हेलीकॉप्टर की कीमत 5 करोड़ है। 5 करोड़ है तो औरत की कीमत उससे भी कम है क्या? हम आस पड़ोस में भी अकेली लड़की को नहीं भेजते, लेकिन यहाँ तो वो आपको मेरे साथ भेज के खुद हेलीकॉप्टर की पहरेदारी कर रहा है। मुझे ये बात कुछ जची नहीं। अच्छा समझ लीजिए, मेरी जगह कोई और होता वो आपको सही सलामत घर पहुँचाता, इस बात की क्या गारंटी? आपकी खूबसूरती देखकर उसका मन मचल जाता तो? भवानी प्रताप सिंह, माँ बाप ने यही नाम रखा है और लोग भी इसी नाम से बुलाते हैं। ठाकुर राय बहादुर सिंह का हाजमा तुझसे बदला लेने के बाद ही ठीक होगा। हाजमा? बेइज्जती, उनके घर में घुस के उनकी और उनके भाइयों की पिटाई करने की। मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, प्रतापगढ़ में पैदा हुआ हूँ। प्रतापगढ़ की बेटी की बेइज्जती हुई तो मेरा खून उबलकर आसमान छूने लगता है। तो फिर इस लड़के की इज्जत लूट लेते हैं, देखता हूँ जौनपुर की कौन सी मूली तू उखाड़ेगा। चलो इस लड़की की इज्जत लूटते हैं, प्रतापगढ़ वाले क्या उखाड़ते हैं देखते हैं। चल
चलिए मेरे साथ। आपको तैरना आता है? आता है। Come on। आजा, तुम्हारा इंतजार था। इंतजार? वहां से तो दुम दबा के भागा। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। भागने और भगाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे लीडरों को पीटने में मजा आता है, कैडरों को पीटने में नहीं। इसलिए पतली गली पकड़ लो। पतली गली पकड़ने नहीं, तुझे पतला करने आए। मेरा खून सिर पर चढ़ गया तो तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी। मेरे सामने कोई भी टॉप गियर में नहीं आ सकता। बेहतर होगा रिवर्स गियर डाल लो। आप हंस क्यों रही हैं? आपको देख के वहाँ आपका बिल्डअप देखकर लगा कि आप उन सब की धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन क्या भागे हैं आप? उस दिन अपनी बहन की बात को लेके उन लोगों की पिटाई की, क्योंकि आप जानते थे कि आपके पीछे गांव के लोग हैं। भागेंगे क्यों नहीं, आपको अपनी जान भी तो प्यारी है ना। मैं भागा था अपनी जान बचाने के लिए नहीं, आपके लिए। मैं पानी में कूदा उन गुंडों के डर से नहीं, सिर्फ आपके लिए। मर्द पर चाकू का घाव पड़े कोई बात नहीं, लेकिन लड़की पर पराया मर्द का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। मुझ पर जो दाग लगेगा वो कल मिट जाएगा, मगर आप पर कोई दाग लगे वो मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। वो लोग चाहे 50 हों और मैं अकेला, ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मार देंगे या फिर वो लोग मेरे हाथों मर जाएंगे। मगर वो आपका नुकसान कर दें और उसके बाद मैं उनकी जान भी ले लूं तो नतीजा शून्य होगा। और फिर आपकी शादी तय हो गई है, कुछ ही दिनों में आप किसी की पत्नी बन जाएंगी। उन दोनों की शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। उन्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, वहाँ तुम्हारा बेटा अमेरिका में पैदा हुआ और पला, और यहाँ श्रुति तो थोड़ा घरेलू टाइप की है। वो देखिए हेलीकॉप्टर आ गया। आई थिंक दे हैव जस्ट अराइव्ड।
Stupid. मैंने कहा था कि लड़की को और उसके पेरेंट्स को एक चार्टर फ्लाइट से अमेरिका लेके आओ। सुने तब ना, यू पीपल डिडंट लिसन टू मी। ये क्या राज, तू ऐसा टेंशन ले रहा है जैसे मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है। अच्छा श्रुति कहाँ है? हाँ श्रुति, इजंट शी हियर? मैंने 6 घंटे पहले उसे गाड़ी में भेज दिया। ऊपर चढ़िए। हाँ, संभल कर। क्यों जी? क्या है जी? सचमुच आपने 50 लोगों को मार भगाया? 50 लोग नहीं। तो क्या जितने भी लोग आ जाए आप उन्हें मारेंगे? जब मारने पर आ जाऊँ तो गिनता नहीं हूँ, झुमरी तलैया तक मारते मारते ले जाता हूँ। आप चढ़िए। सॉरी जी, वहाँ फिसलन ज्यादा है। कोई बात नहीं, आप अपने पैर उठाकर मेरे कंधे पर रखिए, मैं ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको लात नहीं मार सकती। अरे इसमें लात मारने की क्या बात है, मैंने पैर रखने के लिए कहा है। लेकिन आप एक मर्द है ना? मर्द ही तो हूँ, पति तो नहीं ना। कोई बात नहीं, रखिए। फिर भी गलत है ना? अच्छा मुझे एक छोटा सा डाउट है। सारी दुनिया को ढोने वाली भू माता ही है ना? हाँ भू माता ही है। और भू माता एक औरत है ना? औरत है। जब दुनिया भर के मर्दों को एक औरत ढोती है तो एक औरत को ढोने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल सकता? अब ज्यादा सोचिए मत, पैर रखिए। हाँ पैर रखिए, कंधे पर पैर रखिए। हाँ चढ़िए। संभल कर। चढ़िए। चढ़िए। हाँ मुझसे नहीं होगा। थोड़ा और संभाल कर, संभाल कर। श्रुति बेटी, श्रुति, ऐ श्रुति, ओ गॉड, श्रुति, सुनिए, मेरा हाथ फिसल रहा है, थोड़ी मदद कीजिए। श्रुति, where are you, sweetheart? श्रुति, मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरा हाथ पकड़िए, जल्दी पकड़िए, देख क्या रही है, पकड़िए, मैं स्लिप हो जाऊंगा, प्लीज मेरा हाथ पकड़िए, जल्दी, जल्दी। सुनिए, आप इंसान हैं या कुछ और? औरत समझकर मैंने बचाया और आपने मुझे ही धक्का दे दिया। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तभी तो उसने आपको भी गिरा दिया। मैं गिर नहीं गई, कूद कर आई हूँ। जानबूझकर कूद गई? जिंदगी भर आपके साथ रहने के लिए आपको धक्का देकर मैं भी कूद गई। ऊपर मेरे मम्मी डैडी आ रहे थे, उनके साथ वो स्टूपिड आरजी भी आ रहा था। अगले संडे उसके साथ मेरा एंगेजमेंट फिक्स करने वाले हैं, लेकिन उसे शादी में नहीं करूंगी। मेरा गाल लाल देखकर मुझ पर शक किया उसने, मुझसे तरह तरह के सवाल कर रहा था। मुझे फॉरेनर या गवार इसकी परवाह नहीं, पत्नी को हमेशा अपने दिल में रखने वाला चाहिए, और वो दिल सिर्फ आपके पास है। एक औरत पर पराए मर्द का साया भी नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वहाँ से भागा कहते ही आपके अंदर के इंसान को दिखा। औरत को भूमाता से तुलना करके जब उसे अपने कंधों पर उठाया तब आपने भगवान को दिखा। आप अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। हाँ कहेंगे तो ऊपर चलूंगी, ना कहेंगे तो यहीं जान दे दूंगी। आपका फैसला जो भी हो, मेरा फैसला अटल है। आई लव यू। क्यों जी, श्रुति आ गई? हाँ। आई डैडी। क्या हुआ बेटी? कुछ भी हुए बिना इन्होंने मुझे बचाया डैडी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, तुम्हारा ऐसा नाम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ ये रख लो बेटे। इसमें क्या है? ये मैं खुशी से दे रहा हूँ, मना मत करो। आप अपनी बेटी की कीमत लगा रहे हैं।
आबरू की कीमत रुपयों से की जा सकती है ऐसा आप मानते हैं तो पैसा दे दीजिए, या फिर आबरू के सामने इंसान की जान की भी कोई कीमत नहीं ऐसा समझते हैं तो ये रख लीजिए। बेटी की जान बचने की खुशी में मुझसे भूल हो गई, आई एम सॉरी। मैं चलता हूँ जी। अच्छा Hey, Shruti, 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 stop, stop. Hey, let's go to the hospital. Hospital? Yeah, तुम्हारी पूरी बॉडी स्कैनिंग करानी है। Hey, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, यही मेरी फिक्र है। 100 feet height से वाटरफॉल में गिरी थी। किडनी हिल सकती है, लिवर लीक हो सकता है, बोन्स ब्रेक हो सकते हैं, पानी अंदर घुस के लंग्स में फंगस फॉर्म हो सकता है। मेरे होने वाली डालने का इतना भी केयर करना, नथिंग रॉन्ग। श्रुति का अगर कुछ हुआ होता तो दिखाई पड़ता ना बेटे। इसे तुम्हारी फिक्र है ना, इसीलिए तो हॉस्पिटल बुला रहा है। जाती क्यों नहीं बेटी, जाओ ना। क्या काम? एक्सक्यूज मी डॉक्टर, श्रुति का टेस्ट किया था ना, पास या फेल? 100% पास। I'm so lucky, thank God. डॉक्टर, उसका रिपोर्ट्स कहाँ है? The reports are already with her. Oh no, doctor. Everything is fine, Shruti. Scam में जैसे politicians को clean chit मिलता है, उसी तरह scam में तुम्हें clean chit मिला है। ये टेस्ट कराने के लिए किसने कहा? मैंने। मुझे कोई चोट लगी है ये जानने के लिए मुझे यहाँ नहीं लाए। मैं खराब हो गई हूँ या नहीं, मैं कुंवारी हूँ या नहीं, इसकी जांच कराने के लिए है ना? टेस्ट देने के बाद गुस्सा क्यों डियर? तुम सती सावित्री हो, सीता हो तो पता चल गया, इसके लिए किया था। अमेरिका में सब बहुत कॉमन है डियर। ऐसा टेस्ट कराने वाले को इंडिया में क्या करते हैं जानते हो? क्या करते हैं डियर? शादी के बाद हर रात ये पतिव्रता थी या नहीं ये सोच सोच कर दिमाग खराब करने से पहले से टेस्ट करके पता लगाना अच्छी बात है ना, मैंने भी यही किया। Now she is okay, I'm okay, और मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब तुमसे शादी करने के लिए मैं तैयार नहीं। What? क्या कह रहे हो बेटी, हम बड़े लोग यहाँ पर है ना? मैं हाँ नहीं कर रहा हूँ। What happened to all of you? No, please don't make any hasty decisions. I love her. प्यार करने वाले कभी शक नहीं करते। Hey, silly girl. प्यार करने वाले शक भी करते हैं। ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। सुनो, लुक, 6 घंटे किसी पराये वर्ग के साथ रहने वाली मेरी बेटी कुंवारी है या नहीं इस पर शक करने वाले तुमसे ज्यादा। 6 घंटे एक लड़की अपने साथ होते हुए भी उसे सुरक्षित लाने वाले वो भवानी प्रताप सिंह कितने महान हैं और मेरी बेटी के लायक हैं। ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अंकल, आप मेरे साथ 1 मिनट चलिए, मैं आपको कन्विंस करता हूँ। आंटी, आप भी प्लीज। तुम उनके पाव पड़कर मना भी लो पर मैं नहीं मानूंगी। श्रुति, प्लीज जस्ट कूल डाउन फॉर अ मिनट। पहले इसकी बात तो सुन लो बेटी। कम, सिट। नाउ व्हाट वी विल डू इज अमेरिका को छोड़ सकता हूँ लेकिन श्रुति को नहीं। आप मेरा कैरेक्टर को जानते हो ना, जो चीज मुझे पसंद है वो मुझे चाहिए, या तो मेरी बनेगी या फिर इसे मार दूंगा। हेलो, मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, मुझ पर अगर हाथ लगाओगे तो मैं अमेरिका में केस डालूंगा। चांद पर भी करो, मुझे कोई चिंता नहीं। Hey, man! No! Don't do that! Oh, someone stop him! Hey, man! This is 5 crores worth. Hey, 5 crore का हेलीकॉप्टर छोड़ रहे हो? Hey, पागल हो गया? Hey, hello! Stop it! Hey, please stop it! Hey, guys! 5 करोड़ का हेलीकॉप्टर का नुकसान कर रहा है। Come on! Stop him! Hey! Oh!
नारायण क्या कर रहे हो? कुछ तो बोलो। तेरे कुंवारेपन की परीक्षा ले रहा हूँ। इसके लिए क्या करने वाले हो? भाग के कहाँ जा रहा है बे? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कुंवारेपन की परीक्षा भी पूरी नहीं हुई। क्या कर रहे हो मैन, क्या कर रहे हो? आग पे झोंकने जा रहा हूँ। आग हो मर जाऊंगा? नहीं मरेगा। त्रेता युग की सीता मैया की जरा तेरी भी अग्नि परीक्षा होगी। नहीं, ये तो औरतों के लिए जाती है। ये कलयुग के मर्दों की परीक्षा है। तुम अगर बुरे हुए तो जलकर राख हो जाओगे। अगर सचमुच कुंवारे हुए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, बच जाओगे। नहीं, नहीं, मैं खराब हूँ, मैं बुरा हूँ। अगर मेरी परीक्षा लोगे तो मैं फेल हो जाऊंगा। तुझमें इज्जत नाम की कोई चीज नहीं। 5 करोड़ की कीमत के हेलीकॉप्टर को तोड़ने पर तो चिल्लाया, मगर जिस लड़की से शादी करने आया उसे जब मैं ले जाने लगा तो मुंह नहीं खोला। मंगेतर से ज्यादा हेलीकॉप्टर कीमती हो गया और हेलीकॉप्टर से ज्यादा अपनी जान कीमती हो गई है ना? जब तेरा ही चरित्र नहीं तो चरित्रवान लड़की किस लिए? तेरे लायक लड़की तो अमेरिका में ही मिल जाएगी, जाके ढूंढ ले। अगर जान प्यारी है तो इस प्रतापगढ़ में ही नहीं, इस देश में भी नजर नहीं आना। चल भाग। सुन, एक काम कर, यहाँ से पैदल दिल्ली निकल जा, वहां जाके अमेरिका का प्लेन पकड़ लेना। चल जा, चल भाग। शुक्रिया भवानी जी, मेरी बेटी सही सलामत मिल जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। जब पहली बार आपने उसे बचाया तब आपके हाथ में रुपया रखना मेरी भूल थी। अब मैं समझ गया, आपके हाथों में कुछ रखना है तो वो रुपया नहीं बल्कि मेरी बेटी का हाथ है। अब तुम फंस गए भवानी प्रताप सिंह। हमारे घर में घुसकर हमें पीटने पर केस करते तो दुनिया के सामने हमारी इज्जत चली जाती, इसलिए उस दिन हम खामोश रहे। अब हम उसे दिखाएंगे कि स्टेट से लेकर सेंट्रल तक हमारी किट्टी पहुंच है। 5 करोड़, 5 करोड़ का हेलीकॉप्टर को जला दिया। इस जिले में आप ही सबसे पावरफुल एमपीए जानकर आपके पास आए हूं। आई नीड योर हेल्प। पागल कहीं के, हेलीकॉप्टर जलाने का इल्जाम लगाकर उससे मुआवजा मांगोगे तो प्रतापगढ़ के लोग चंदा इकट्ठा करके आधे घंटे में चुका देंगे। तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़की को मैं शादी करने वाला था उसे छोड़ के अमेरिका वापस जाना पड़ेगा। जरूरत नहीं, उस पर एक खतरनाक इल्जाम लगेगा, तुम जैसे एक अमेरिकन सिटीजन को जान से मारने की कोशिश। यस। यहाँ की पुलिस के साथ साथ अमेरिकी अधिकारियों को भी लेकर हम उसके घर पर हमला बोलेंगे। गुड। जिंदगी भर वो जेल में सड़ेगा। उस दिन की मार भूल गए जो आज यहाँ तक आने की जरूरत की? कोई खुददार हमेशा चुप नहीं रहता। जो अपने बाल काले करता हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी झुक गई हो, वो मेरा क्या करेगा? और किसी को अपने साथ लाए हो तो बोलो। बस करो ये मजाक। ये प्रतापगढ़ है, यहाँ सीधे मार पड़ती है, मजाक वजाक नहीं होती है। उस दिन हम भूल गए थे कि हम एक एमपी हैं और हमने गुंडे की तरह मारपीट की। आज तुझे मात देने के लिए ही हम तेरे घर आए हैं। चाहे वो घर हो या ये घर, तुझे तो मार पड़नी है। फर्क इतना है कि उस दिन तेरी चीख तेरी बीवी ने सुनी थी, लेकिन आज तेरी चीख पार्लियामेंट तक पहुंचेगी। इन आंखों ने लाखों को कांपना सिखाया है और इन आंखों ने करोड़ों का अनुशासन सिखाया है। बाग कसम, आज तेरा काम तमाम ना किया तो इस एमपी पद को त्याग देंगे। तो सुन ले, अगर आज तुझे मिट्टी में नहीं मिलाया तो मैं भी अपना नाम त्याग दूंगा। हम अकेले नहीं आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। Hey man, एक अमेरिकन सिटीजन होने के बावजूद मुझे तुमने मारने की कोशिश की है। मैंने एमपी से रिपोर्ट किया तो और ये लोग पूछने आए हैं। अरे एक बार बाहर झांक के तो देखो, ये पूरी पुलिस फोर्स के साथ आए हैं। ये तुझे अरेस्ट करेंगे। शेर को पकड़े वैसा पुलिस वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। सॉरी सर, यू ट्राई टू किल हिम, प्लीज सरेंडर योरसेल्फ। ये सद्दाम हुसैन का इराक नहीं है ऑफिसर, ये वीरों की रणभूमि प्रतापगढ़ है। वहाँ बॉम्ब को तोपों में रखकर फेंकते हैं, यहाँ हाथों से फेंकते हैं। वहाँ बंदूक की गोलियों से लोगों को मारते हैं, यहाँ गोलियों से नहीं अंदर के जुनून से लोगों को मारते हैं।
You want to see the power of my area? Come. ठाकुर साहब के हवेली में पुलिस लाया इसलिए तुझे गधे पे बिठाकर पूरे गांव में घुमा देंगे। देख लिया इनका आक्रोश, इनकी बात समझ में आई या ट्रांसलेट करके बताना पड़ेगा? जिस लड़की की शादी होने वाली है उसे अपने घर में बंदी बनाता है, ऐसे आदमी को एमपी समझते हो? किसी लड़की से शादी करने से पहले वो वर्जिन है या नहीं इसकी जांच पड़ताल करवाने वाले इस नीच के साथ ही आप लोग। आपका अमरीकी नागरिक हमारे देश की लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश करे और मैं केस दर्ज कराऊं तो क्या सजा मिलेगी? मिनिमम 30 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। क्यों बे, गलती के लिए माफी मांग के अमरीका जाके 30 साल की जेल में रहेगा या यहाँ इकट्ठा हुए हम हिंदुस्तानियों के हाथों मरना चाहेगा? सॉरी सर, we are going to recommend cancellation of his citizenship. No, madam, I'm a very good citizen, you know. Hi, hello, ma'am, listen to me, ma'am, please, hello, hello, madam. Hello, क्या कहा था? तेरे घर में आया हूँ। यहाँ आने के लिए एक स्टेटस चाहिए, मंदिर में कदम रखने के लिए पवित्र मन चाहिए और मेरे घर में कदम रखने के लिए मर्दों का जिगर चाहिए। अगली बार ऐसी कोई गलती की तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो दूर, पंचायत का मेंबर भी नहीं बन पाएगा। जावे, जा। अरे तेरा दिमाग खराब है? उन लोगों के सामने गुनाह कबूल क्यों किया? उससे गलती हो गई। आप ही मुझे बचाइए, नहीं तो मैं कहीं जाके अपना जान दे दूंगा। नहीं, इस पूरे इलाके में एक ही आदमी तुम्हें बचा पाएगा। ठाकुर साहब, आप खुदकुशी मत कीजिए, आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। भाई साहब, नहीं कर सकते। भाई साहब, मरने के लिए नदी में पानी भी नहीं है। वहाँ आगे पानी है ठाकुर साहब। हाँ? खुशी हुई, उसे तो मार ना सका लेकिन मेरे मरने का रास्ता दिखा दिया। ए, रुक, 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 ये रख ले। शुक्रिया ठाकुर साहब। भाई साहब रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। भाई साहब भाई साहब, भवानी प्रताप सिंह को मारने वाले आए हैं। क्या कहा? फिर से कहो। भवानी प्रताप सिंह को मारने के लिए आपसे हाथ मिलाने के लिए एमपी साहब आए हैं। आइए। इधर आ। मरना नहीं, मरना चाहिए मालिक बोलना था तुझे, वो छोड़ के यहाँ पानी है कहकर मरने का रास्ता दिखाया मुझे। तुझे तोहफा दूँ, नमक हराम। एमपी राय बहादुर सिंह खुद मुझे ढूंढते हुए आए हैं तो मैं जरूर बताऊंगा। बोलिए ठाकुर साहब, उसे मिट्टी में मिलाने के लिए आपको रुपए चाहिए, AK-47 जैसे हथियार चाहिए, बम चाहिए या आदमी चाहिए? क्या चाहिए बोलिए। हमें आपकी बेटी शिवनागेश्वरी की मदद चाहिए। उसके हाथों बेइज्जत होकर तन्हा रहने वाली मेरी बेटी, एक आम लड़की, वो क्या कर सकती है? उस युग में शूरवीर अर्जुन को भीष्म को मारने के लिए शिखंडी की जरूरत पड़ी थी और किसी युग में महिषासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु को मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा था। इस भवानी प्रताप सिंह को हराना हम मर्दों की बस की बात नहीं है ठाकुर साहब। इस युग की मोहिनी आपकी बेटी शिवनागेश्वरी ही इसके काबिल है। शाबाश, उसे मरने लायक मेरा कोई बेटा नहीं, इसका दुख था मेरे मन में। अब बेटी के जरिए भगवान मेरी इच्छा पूरी कर रहा है। बेटी शिवनागेश्वरी। Oh,
भवानी प्रताप सिंह, मुझ में खूबसूरती की कमी है, दौलत की कमी है, इज्जत की कमी है, नाम की कमी है या शौहरत की कमी है? किस बात की कमी है जो मुझे घर छोड़कर, अपनों को छोड़कर इस तरह तन्हाई का सहारा लेना पड़ा? तुझे मेरी जिंदगी में आने की क्या जरूरत थी? तेरे साथ ऐसा क्या किया है मैंने? हर आदमी सुबह उठते ही भगवान को याद करता है, लेकिन मैं तुझे याद करती हूँ। खाना खाती हो तो तू, जब पानी पीती हो तब भी आंखों के सामने तू है। आखिर तुझ में है क्या? तेरी आंखों को देखते ही न जाने कितनी लड़कियों की आंखों में प्रेम भावना जाग उठती है, पर मेरी आंखों में तेरे लिए नफरत क्यों है? सब तुझे देवता मानते हैं, पर मेरे लिए तू इंसान से भी बदतर है। पुराण में भगवान भक्त के पास जाते हैं, कलयुग में भक्त भगवान के पास जाते हैं। आऊंगी, मैं भी आऊंगी, तेरे पास आऊंगी। एमपी साहब, आपके पाँव कहाँ? अरे क्या कर रहे हो? श्रुति मेरी जिंदगी की अपश्रुति हो जाएगी सोचा था, लेकिन महाभारत युद्ध में भी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया हो ऐसा मोहिनी अस्त्र आपने मुझे दिया है। भवानी प्रताप सिंह इसके हुस्न का दीवाना बन जाएगा और नहीं बचेगा। डेफिनेटली मेरी श्रुति मेरी होकर के रहेगी। ओह माय गॉड, इन दोनों का डुएट करा देना प्लीज। अरे तू इतना क्यों है? भवानी, भैया की बहन की शादी होगी, भैया की भी शादी हो रही है, पता नहीं मेरी कब होगी। शादी के लिए वो चाहिए ना? वो क्या? शादी का योग। लड़की को कोई कुछ नहीं करेगा, सबको मेरी कसम। फॉरन ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। नहीं डॉक्टर, गोली इसी कमरे में निकाली जाएगी। हाउ इज इट पॉसिबल? ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। अगर मैं बेहोश हो गया तो हमारे लोग इस लड़की की जान ले लेंगे। साले साहब, इस लड़की को शीशे के पास मेरे सामने खड़ा कर दो, गोली निकालते समय मैं इसे देखता रहूंगा। आप जल्दी से गोली निकाल के मुझे यहाँ से नहीं भेजेंगे तो इसकी खबर पूरे प्रतापगढ़ में फैल जाएगी। लोग जमा हो गए तो इस लड़की के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। प्लीज जल्दी निकालिए।
शामियाने में गुलाब जल का छिड़काव होना चाहिए। वहाँ पर खून का छिड़काव शुभ नहीं है। नया मुहूर्त निकलवाएंगे। बिल्कुल नहीं, अब कभी मुहूर्त नहीं निकलेगा। भैया एक इशारा कीजिए, इस लड़की को हम काट के फेंक देंगे। मैं मौत से नहीं डरती। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की बेटी हूँ, शिव नागेश्वरी। तेरी शादी कब होगी इसका फैसला करने वाली मैं हूँ। तू किस लड़की की मांग भरेगा इसका फैसला करने वाली भी मैं ही हूँ। सुनो काजल। भैया शिव नागेश्वरी को हमारे घर लेकर आओ। इस तरह क्या देख रहा है? लाइन मार रहा है? आईने में अपनी शक्ल देखी कभी तूने? भवानी भैया की माला है। इसीलिए मंडप में आके ढिटकी गोली मारी। गोली मारी फिर भी घर में ला के रख लिया ना? इसका मतलब प्यार अपने उफान पर है। मुझ पर एक खरोच भी आए बिना सही सलामत यहाँ ले आए हो। सचमुच मेरी फिक्र है या नाटक कर रहे हो? अब सोच रही हूँ तुम्हें गोली मारकर मैंने गलती की। तुम्हें एक बार नहीं मारना चाहिए, रोज रोज मारना है। इस तरह मत हंसो, मेरे अंदर की आग और भड़क जाती है। भैया क्या हुआ काजल? नाश्ता तैयार है भैया, चलिए चलिए। इन्हें मैं खिला रही हूँ ना नाश्ता, तुम जाओ। देखिए ना, बाथरूम में टैप काम नहीं कर रहा है, मेरे लिए नया है ना। चल कर देखिए ना, आइए ना। ओह सॉरी, चलिए। ये औरत जैसी थोड़ी ना पेश आ रही है, ये मेरे भैया की जान लेकर ही छोड़ेगी। Come on, darling. देखो। तुम्हारे भीगने से क्या फायदा? अगर मैं भीगूंगी तभी तो सब कुछ दिखाई देगा और तुम्हारा मन मचलेगा। मन मचलने और तपस्या भंग होने के लिए ना तो मैं विश्वामित्र हूँ और ना ही तुम मेनका हो। औरत जात को इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए। शंकर के जड़ा से निकलने वाली गंगा और विष्णु के मन में रहने वाली लक्ष्मी की तरह होनी चाहिए। अंदर क्या हो रहा होगा? हमारे साहब जी को बाथरूम में बेडरूम बन गया, पता नहीं भीग रहे हैं भिगा रहे हैं। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक। हेलो ठाकुर भवानी प्रताप सिंह, उसके साथ लंच करने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। उससे शादी करके गंगा मानकर सर पे बिठाएंगे या लक्ष्मी मानकर दिल में बसाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, होने नहीं दूंगी। आज के बाद तुम कब सोओगे, कब उठोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये सब मैं बताऊंगी। तुम्हारी वजह से इस मंगलसूत्र में लगे हल्दी की तरह मेरी जिंदगी भी क्यों फीकी पड़ गई इसका मुझे जवाब चाहिए। तब तलक यहाँ पर हर कोई हर वक्त मेरी बात सुनेगा, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। मुझे सही सही जवाब मिलने तक मैं यहीं पर इसी घर में रहूंगी। What is this? I can't stand this bloody situation anymore. Who the hell is this woman? Instead of apologizing, she's commanding you? Excuse me. You keep out of this. This is between us. You don't interfere in this matter. Thakur sahab, aapki shaadi mein aane wale hamare rishtedaron ko jab train mein jagah nahi mili, tab aapki shaadi mein aa rahe ye jante hi us bogi ke tamam musafir uthkar Thakur sahab ki shaadi mein aap isi gaadi se jaiye, hum baad mein koi lorry pakad kar chale jayenge kahin chale gaye. इस कदर आन बान शान से रहने वाले आपसे एक लड़की इस तरह सवाल क्यों करती है और आप उसे चुपचाप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मुझे जवाब चाहिए। जवाब मैं देता हूं। मैं कौन हूं यही सोच रहे हो ना? मैं हूं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, इस शिव नागेश्वरी का पिता, इन दोनों का बड़ा भाई। मेरा नाम सुनते ही मेरे जिले में ही नहीं कोसों दूर तक लोग थर थर कांपते थे। इतने में
इस भवानी प्रताप ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मुझे नीचा दिखाया। अपनी इज्जत के लिए मैं क्या करता था जानते हो? जानते हो मैं क्या करता था? यही है वो हरामजादा, क्या देख के इसके पीछे पड़ी है मेरी बेटी। एक बार दबोच लिया तो तड़प तड़प के दम तोड़ेगा। रुक जाइए, ये दोनों बालिक हैं, इन्हें अपनी मर्जी से शादी करने का हक है। अच्छा, चुपचाप मेरे साथ चलती है या इसे यहीं पर दफना दूं? जो भी बोलना है कोर्ट में आकर बोलिएगा। हमें कोर्ट बुला रहा है, इन दोनों को हम यहीं दफना देंगे। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। गेट आउट। ये क्या, तू क्या सोचता है पिस्तौल से डरेंगे? दम हद गोली चला। छोड़ दे, जब उसे हमारी इज्जत की परवाह नहीं है तो उसके लिए हम अपनी जान क्यों दें? ठीक है, चलते हैं। चलो ए, सब लोग जाओ, जाओ। जिस बेटी ने मुझे ठुकराया उसे और उसका साथ देने वालों को उड़ा दो। नमस्ते। क्यों कुमार, बीए पास हो गया ना? तभी तो हमारे सिनेमा हॉल में काम कराने के लिए ले आया हूँ। करोगे कुमार? एक ढूंढ में तो 32 ही निकल आएगी। साहब जी पूछ रहे तो जवाब क्यों नहीं देता? बाप की कोई कदर नहीं, मुझ पे विश्वास नहीं है। ये लो अपना एडमिशन। ये क्या कर रहे हो ठाकुर साहब? इसके रोने पे तरस मत खाइए हुजूर, गेट कीपर की नौकरी करने से शर्म आ रही होगी। तुम क्यों रो रहे हो, अपने बाप से बताओ। ठाकुर साहब ने मुझे नेशनल कॉलेज में एमए का एडमिशन दिलाया बाबूजी। हुजूर, आपके दादाजी मेरे पिता को रोटी देते थे, आपके पिताजी मुझे रोटी देते थे, अब आप मेरे बेटे के लिए। चंद्रकांत, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे परिवार और हमारे परिवार के बीच कितना प्यार बढ़ा ये छोड़कर कितना एहसान बड़ा ये नहीं सोचना चाहिए। कल आके पैसे ले जाना। ये क्या, आजकल हवा भी तुझे लव लेटर देने लगी है? पता नहीं छुपे छुपे लव लेटर लिख के तुझे कौन परेशान कर रहा है। तुम्हें दिल में बसा के मैंने सैकड़ों प्रेम पत्र लिखे पर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया, इसलिए अपनी हार्ट बीट तुम्हें सुनाने के लिए ईमेल भी भेजा। जवाब में अपना दिल भेज दो, तुम्हारे प्रेम का प्यासा कुमार। उसे जवाब मिलेगा, पिताजी से कहकर उसके गर्दन को मुर्गे की गर्दन की तरह तोड़वा दूंगी। लव लेटर लिखने का बहुत शौक है। ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या, कौन है आप लोग, मुझे क्यों मार रहे हैं? अभी बताता हूँ। डॉक्टर साहब, अब जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन रीढ़ की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी है, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। <गया। laughs>
तुम कुमार के दोस्त हो ना? जी हाँ सर। क्या हुआ था? उन्होंने मारा, लव लेटर और ईमेल भेजा कहकर। कुमार ने भेजा था? नहीं सर, मैंने भेजा था। जब तुमने भेजा था तो उसे क्यों मारा गया? मैं कुमार शास्त्री हूँ और वो कुमार दास, उसे मैं हूँ समझकर उन्होंने मारा। अगर मैं सच बताता तो लोग मुझे मार डालते, डर से मैं चुप रहा। कौन है वो सुंदरी जिसे तुमने लव लेटर भेजा? शिव नागेश्वरी। किस गाँव की? रानीगंज की। हमारी बिटिया के साथ खिलवाड़ करने वाले की पिटाई करने का कार्यक्रम समाप्त हुआ, इसलिए मैं उत्तर भारत के सभी कुमारी लड़कों के चित्र लेकर आया हूँ। आप और बिटिया रानी यदि अपनी पसंद बता दें तो भावी दामाद को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। शिव नागेश्वरी कहाँ है? शिव नागेश्वरी कौन है? ए, नाम लेकर पुकारने वाला कौन है तू? क्यों पंडित जी, आप पर हाथ उठाना धर्म नहीं होगा। आप बताएंगे शिव नागेश्वरी कौन है या मैं अपना धर्म तोड़ू? न, 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 वो रही बिटिया रानी। क्या रे, तो स्वर्ग सुंदरी है? कोई शक? इन्हीं कपड़ों में कॉलेज जाती है? गलत है। शरीफ घराने की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं? मैं पहनती हूँ। मेरा बदन देखो, मेरी सुंदरता देखो, कह के तू अपने जिस्म की नुमाइश करेगी तो लड़के प्रेम पत्र नहीं भेजेंगे क्या? कुसूरवार सजा भुगते, यही इंसाफ है। छटाक भर का बदन रखे, गज भर की जबान, तुझे इतना घमंड? लड़की है, सुर नीचे कर नहीं तो मरोड़ दूंगा। कौन है तू? कौन है ये जाने बिना, जानने की कोशिश किए बिना मेरे आदमी को तुमने मारा, तो मैं कौन हूँ ये बता के तुम्हें मारूं? इस अतरंगी सुंदरी को लव लेटर लिखा कहकर तुमने मेरे आदमी को मारा, वो बेचारा बुरी तरह घायल होकर अस्पताल में पड़ा है। ए, अगर तेरी बहन को कोई लव लेटर लिखेगा तो तू चुप बैठेगा? किसने लिखा ये पता लगा के मारूंगा, लेकिन तुमने क्या किया? लव लेटर लिखने वाले कुमार शास्त्री को छोड़कर कुमार दास को मारा। रानीगंज में घुसा मारूंगा तो पहाड़गंज में सुनाई देगी तेरी चीख, फाड़ दूंगा सबको। ये क्या बकवास है, मुझे क्या समझा है तूने? मैं हूँ ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, मेरा नाम सुनते ही जिले में ही नहीं कोसों दूर तक पंछी पानी तक नहीं पियेंगे। शेर पानी नहीं पिए तो बाद में कुछ दम है, पंछियों का नाम लेकर अपना ढिंढोरा क्यों पीट रहा है? वैसे लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, श्रीदेवी, अनुसुईया, अरुंधति, दमयंती, सीता, सावित्री, ऐसे सैकड़ों नामों के होते हुए पाताल में रहने वाली जहरीली नागिन का नाम अपनी बेटी के लिए क्यों चुना रहे? ऐ, मजाक कर रहा है? मेरे घर पे आके मेरे सामने मेरी बेटी का अपमान कर रहा है तू? ऐ, माँ काली की कसम, तेरी हड्डी पसली तोड़ के नीचे नाबूद कर दूंगा। मैं सड़कों पर घूमने वाला कोई आवारा गुंडा नहीं हूँ, पिछले 800 सालों से शूरवीरों के लिए मशहूर प्रतापगढ़ के धर्म योद्धा जिन्होंने अपना सीना चीरकर खून बहाकर आने वाली पीढ़ी को हिम्मत प्रदान की, उसी वंश का वारिस हूँ मैं। देखनी है मेरी ताकत? जिसकी तुमने रीढ़ की हड्डी तोड़ी वो कुमार दास मेरे वफादार मुलाजिम चंद्रकांत का बेटा है। अस्पताल से उसके बाहर आने के बाद बिस्तर से न उठने वाले कुमार की तेरी बेटी को जिंदगी भर सेवा करनी होगी। वैसे तो अपनी बड़ी बेटी के भागने पर पहले ही दुखी है, अब इसके बारे में भी लोगों की उंगली न उठाकर ये चाहता है तो शिव नागेश्वरी को कुमार दास से शादी करनी होगी। What do you mean? I mean what I feel justice is. I mean what I feel humanity is. I mean what I feel Kaliyug Dharma is. Should I say more? Thank you.
Go back! Hey! इसे खत्म कर दो। अपनी गलती माने मीरा, चुपचाप मार खाते गए तेरे भाई लोग और तेरे गुंडे। तुझे क्यों नहीं मारा जानता है? प्रतापगढ़ का एक सच्चा वीर बुजुर्गों पर, बच्चों पर और औरतों पर कभी हाथ नहीं उठाता है। मेरे ही घर में शिव ताड़ो करके जाने वाला ये कौन है? सोचकर तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है एस भवानी प्रताप सिंह, शिव शंकर सत्य भवानी प्रताप सिंह, गांव गौरीगंज, जिला प्रतापगढ़। मेरे गांव नाव से आ सकते हैं, मोटर गाड़ियों से आ सकते हैं, हवाई जहाज से आ सकते हैं, रेल से आ सकते हैं, जैसे भी आना चाहो आ जाओ। मेरे घर के दो दरवाजे हैं, पूरब में एक, पश्चिम में एक, जिस तरफ से मन करे आ जाओ। हॉलीडे और वर्किंग डे, संडे टू सैटरडे, एनी डे एनी टाइम, आई एम रेडी। तूफान बिना बताए आता है, पर मैं बता के आता हूं। दैट इज माई कैरेक्टर। अच्छा, मेरे पैसों से, मेरे घर पे, मेरे हाथी की लकड़ी से, मेरे मिस्त्री की बनाई कुर्सी है, तू मेरे ताल ठोक के बुलाने पर नहीं आएगी? अच्छा, किसी पराए आदमी के बुलाने पर तू आ गई, मेरे बुलाने पर नहीं आएगी? आजा, अरे आना। बेचारे, इस तरह ताल ठोक के पागलपन करने की बजाय उस लड़के से जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं ना? क्यों रे, तो किसी प्रधानमंत्री के बैठने की कुर्सी है? नहीं ना, मुख्यमंत्री के बैठने की कुर्सी है, वो भी नहीं ना। हर रोज मैं ही बैठता हूँ ना तुझ पर, मेरे बुलाने पर नहीं आ रही है? आ जा। अरे कमीनी, आंखें दिखाने पर भी नहीं आती, गले की नस फटने जैसा चिल्लाने पर भी नहीं आती। जब उसने आ जा बोलते ही कुत्ते की तरह दुम हिलाती हुई आ गई, अब क्यों नहीं आ रही है? आ जाना, तुझे रंगवा दूंगा। आ जा। इतनी सी है, तेरी नजर में भी मेरी इज्जत नहीं? तू नहीं आएगी, नहीं आएगी। अच्छा छोटे भाई, सबको ठीक करने की एक ही तरकीब है, अक्सर इलाहाबादी को तुरंत यहाँ बुलवा लो। सबको इस तरह पीट रहा है, उसे वो कहाँ छोड़ेगा? अक्सर इलाहाबादी को कम नहीं समझना,
वो सीधों के लिए सीधा और टेढ़ों के लिए टेढ़ा है। वो किसी ना किसी तरह उस भवानी प्रताप को मारकर हमारी इज्जत को बरकरार रखे। अरे सुनो, आज अपने भवानी बाबू के मुर्गे का किसके मुर्गे के साथ मुकाबला है पता नहीं, वो चाहे किसी का भी हो मरेगा। और क्या बनेगी जब मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े, मुर्गों का मुकाबला हो जाए। क्यों बे, अपने बाबूजी के मुर्गे को नहीं जानते? बाबूजी का मुर्गा करते ही तेरा मुर्गा पलटी मार मार के ऊपर उड़ के नीचे गिरेगा। ये कोई मामूली मुर्गा नहीं है, हमारे गाँव का जावा है। तेरा मुर्गा जावा है तो मेरा मुर्गा धूमर भी कुछ कम नहीं है। लल्ला ए धूमर, जा अरे कौन है ये पहलवान? गौरीगंज यही है? ऐसे खतरनाक मुर्गों का फाइट और कहाँ हो सकता है? भवानी प्रताप सिंह कौन है? वो तो करोड़ों में एक है, दिखाई नहीं देता, यही है। ए, मुकाबला रोको। मुर्गों को लड़ाने में क्या मर्दानगी है? मर्द है तो मुझसे लड़ा। रुद्र प्रताप सिंह के भाइयों को मारना कौन सी बड़ी बात है ठाकुर? मुझ पर दिखाना अपना रौब। ताड़ कितना लंबा, तो तुझे मार के क्या फायदा? अपने रुद्र प्रताप सिंह को भेज, मरोड़ के रख दूंगा उसे। इन्हीं हाथों से तू मरने वाला है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, पर तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है। मैं मारना जानता हूँ, मरना नहीं जानता। और मैं सिर्फ जीतना जानता हूँ, हारना नहीं जानता। तो चल बन जा लड़ा। इस नमूने के साथ आप क्यों लड़ेंगे? इसके लिए तो अपना धूमर ही काफी। धूमर कौन है? वो कहाँ रहता है? ये देखो, उड़ेगा तो इतना बड़ा रहेगा। और नहीं उड़े तो इतना बड़ा। ए धूमर आ जा। धूमर ये मुर्गा, उसे पैर में बांध ले। धूमर के पैर में भी चाकू बांधो। ठीक है, चलो पांव दे बांधता हूं। तुझसे अगर धूमर हार गया तो समझ लो मैं हार गया, धूमर मर गया तो समझ लो मैं मर गया। चुटकी में मसल के रख देता हूं, देख। उसे दिखा दे अपने प्रतापगढ़ की वीरता। अरे धूमर ने उसका सीना चीर। यही होती है प्रतापगढ़ की मार। चाकू लगने से खून की बूंदे रानीगंज में जाके गिरती है। हाँ। छोड़ना नहीं धूमर, मार दे उसे। Ah!
कमांड। हाय मिस्टर, इसे किसने मारा? धूमर ने। कौन है वो आदमी? वो आदमी नहीं है, हैवान है। नहीं, हमारे गांव का मुर्गा है। उसे मुर्गे ने मारा? जी हाँ, इस गांव के मर्दों में जितना दम होता है उतना ही दम मुर्गों में भी होता है, ये बताने पर भी मैं उसे मार कर ही दम लूंगा कहते हुए वो मुर्गे को मारने गया। इस इलाके के डसने वाले सांप में और चोंच मारने वाले मुर्गे में कोई फर्क नहीं। मुर्गा हो या मर्द, केस इज केस। इंसान मुर्गे को मारता है तो खुराक बनता है, इंसान इंसान को मारे तो केस बनता है, मगर मुर्गा इंसान को मारे तो केस कैसे बनेगा? वो तो न्यूज बनेगा। मैं तुम्हारे धूमर को अरेस्ट करूंगा। नहीं, भूल से भी उससे पंगा मत लेना, उसका बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है। बाढ़ में जाए बैकग्राउंड में अरेस्ट करूंगा। सुनो एसआई साहब, धूमर को गिरफ्तार करना चाहते हैं, टोकरा खोल दो। सुनो सभी मुर्गों को अरेस्ट करो। सर जरा उधर देखिए, ऐसे लाइन में खड़े हैं जैसे उनके आगे हम कुछ है ही नहीं। हैं? अपनी अपनी लाठी उठाओ और सबकी टांगे तोड़ डालो। ओके सर। चार्ज। सर, नेहा धूपिया का आइटम नंबर तो देखा है, ये देखिए मुर्गों का आइटम नंबर। ए, उनसे कहो दम है तो आगे बढ़े। दम हो तो आगे बढ़ो। आप लोग अधर्म का साथ देने के लिए यहाँ, इसलिए इस गांव के मुर्गे तक आपको चुनौती देने लगे। आइंदा धर्म के साथ आइए, फिर देखिए यहाँ के इंसान तो इंसान, जानवर भी आपसे कितना प्यार करेंगे। अब जाइए। ठीक है साहब। मुर्गे ने मारा, एक मुर्गे ने, शर्म नहीं आती? मेरी माँ की कोख से तुम जैसे बुजदिल कैसे पैदा हो? चुनौती देख के जो गया उसे चोरी छुपे मारे। ए! मैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह हूँ, मैं उसका सामना करूंगा। नहीं भैया, हम अपने आप को मर्द समझते थे लेकिन उनके मुर्गों का एक पंख भी उखाड़ नहीं सके। उसके लिए उसके पास नौकरी करने वाले के घर अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर भेजो। फौरन शिव नागेश्वरी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढो। मेरा रेंज दुनिया को साबित करूंगा, काली माँ की कसम उसे नीचा दिखा कर ही रहूंगा। तय करो शादी, छपाओ निमंत्रण। उसने खुद एक आदमी से चिट्ठी भिजवाई थी साले साहब। उस चिट्ठी में कौन सी चुनौती दी है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने? तूने ताल ठोके कहा था, ले मैं चुटकी बजा के कह रहा हूँ, अपनी बेटी की शादी अपने मनपसंद लड़के के साथ करवाने जा रहा हूँ। अब दिखा अपने प्रतापगढ़ का जोश। बैठा है और बेटी, तुम उदास हो? देखो हमारे कितने सारे लोग हैं, वो सिर्फ अकेला नहीं, हजारों में भी आए तो हमारे आदमी नहीं छोड़ेंगे। बम सारे कारा क्यों? सिक्स में साहब। देखा श्रीमान, विवाह में तो नारियल का उपयोग होता है, बम का उपयोग भी होता है क्या? अबे पंडित, फौरन इस पंडित को भी ऐसी कोई जगह भेजो। क्यों पंडित, जब देखो गिनती करते रहते हो। हो गया बंटा था, राहु काल में गाड़ी चल पड़ी है। घर से जब निकले थे तब ये सब देखना चाहिए था ना? घर से निकलते समय मैंने पंचांग को उल्टा देखा था, वास्तव में हम शुभ घड़ी में नहीं, मृत्यु योग के समय निकले। बैरे अपना मुंह बंद कर, नहीं तो मृत्यु योग तेरा होगा। पंडित, 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 हेलो। अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर में जाकर अपनी बेटी की शादी कराने की सोच रहा है, ये शादी मैं होने दूंगा क्या? तू कौन बोल रहा है? एस 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 भवानी प्रताप सिंह,
शिव शंकर सत्य भवानी प्रताप सिंह। तू कहां पे है? बाहर झांक के देख, तुझे टक्कर मारने के लिए मैं आ रहा हूँ। भाई साहब, हमारी गाड़ी के सामने इसी ट्रैक पे वो हमको टक्कर मारने आ रहा है। आने दे, मरेगा वो। वो तो अकेला मरेगा भाई साहब, लेकिन हमारे परिवार गाड़ी में जितने लोग हैं सबके सब मर जाएंगे भाई साहब। ए, मर जाएगा बे। किसी को जायदाद से प्यार होता है, किसी को सोने चांदी से प्यार होता है, किसी को जान से प्यार होता है, लेकिन मुझे अपने वचन से प्यार है। तेरी बेटी को हमारे चंद्रकांत की बहू बनना होगा बे। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, तेरे मरने के बाद ही सही। इतनी जिद क्यों करते हो? सबकी रगों में लाल रंग का खून दौड़ता है, पर मेरी रगों में खुददारी दौड़ती है। भाई साहब, गाड़ी रोकिए ना। अरे सुनो, डब्बे में हजारों बम रखे हुए हैं। टक्कर लगने की वजह से अगर बम फट गए तो हमारे चिट्ठी भी नहीं मिलेंगे। चलो चलो जाते हैं। जिंदा बचा तो मैं आप लोगों की तेरह भी में आता हूँ, अब मैं कूदता हूँ। कूदोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। शादी नहीं हुई तो दूसरी कर देंगे, लेकिन सबके सब मर जाएंगे तो क्या फायदा होगा? इतना भी मत डरो चाची, जान जाती है तो जाने दो, इज्जत नहीं जानी चाहिए। मर के क्या मिलेगा? जिंदा रह के उसकी आंखों के सामने तुम्हारी शादी करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। अब सोचे मत भाई साहब, मैं जंजीर खींचता हूँ। जो करता है करो। प्रतापगढ़ का पूरा प्रताप चर्बी बनकर इस पर चढ़ गई है। समझ गई ना, शादी के लिए इतनी उतावली हो रही है, कहा ना मैं करा दूंगा। तुझे जो करनी है वो शादी नहीं, सेवा है। तेरी ससुराल अमीर ज़ादे की हवेली नहीं, एक गरीब की कुटिया है। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी मर्जी से ही शादी करूंगी। वचन निभाने का कैरेक्टर है मेरा। किसी नीच जात वाले के लिए इतना कुछ कर रहा है, यही कैरेक्टर है तेरा? महाभारत के रचयिता वेद व्यास और रामायण के रचयिता वाल्मीकि तक नहीं समझ पाएंगे मेरा कैरेक्टर, तो तू क्या चीज है? गाँव की गलियों में घूमने वाले कुत्ते। बेकार में क्यों मरना चाहता है? चुपचाप पीछे हटा। आगे पीछे हटने के लिए मैं कोई समुद्र की लहर नहीं हूँ, बांध तोड़कर बाहर निकलने वाला जलाशय हूँ। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का परिवार मामूली बांध नहीं है, बड़ा डैम है। उसे तोड़कर आने वाला मर्द अभी तक पैदा नहीं हुआ। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू, हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये बात है, चलो गाड़ी में। मैं उसका बाप और उसके दो चाचा भी जिंदा हैं। इस गाड़ी से तुझे रोन कर अपनी बेटी की शादी रचाऊंगा। पिता की खुशी की खातिर वनवास जाने वाले श्री राम क्षत्रिय थे, पिता को दिया वचन निभाने वाले भीष्म क्षत्रिय थे, माँ को दिया वचन निभाने वाले सूर्य पुत्र कर्ण क्षत्रिय थे। अगर मैं भी उसी तरह क्षत्रिय वंशज हूँ तो ये रेल आगे नहीं बढ़ेगी, पीछे जाएगी। जय चंद्रकेश्वा, जय चंद्रकेश्वा, जय चंद्रकेश्वा। उसने जब ताल ठोका तो पीछे जो गई रेलगाड़ी नहीं, मेरी बेटी का भविष्य था। इसकी शादी रुक गई, जिंदा लाश की तरह जीने वाले हम सबको बीच सड़क पर छोड़ के ये मजे से अपनी शादी करने के लिए पवित्र मंडप में दूल्हा बन के बैठा है। तो दिल जली मेरी बेटी ने गोली चलाई, ये क्या गलत है? रुद्र प्रताप सिंह,
अब हम सबके सामने जो भी समस्या है उसकी जिम्मेदार खुद तेरी बेटी है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं। मुझ पर उंगली उठाने से पहले ये सोच, तुम लोगों की वजह से चंद्रकांत का बेटा अभी तक अस्पताल में पड़ा है, इसीलिए मैं अभी तक उसकी शादी इससे नहीं करा सका। उस चंद्रकांत का बेटा हॉस्पिटल में नहीं है, डिस्चार्ज होकर घर में ऐश कर रहा हूँ इस वक्त। अगर ये सच है तो आज ही तेरी बेटी की शादी मैं उससे करा दूंगा। ये बात तूने उस दिन भी कही थी, पहले मेरी बेटी की शादी करा के फिर बात कर। लग्न मत देख, मुहूर्त मत देख, मेरी बेटी की मांग भरे, मैं बस यही चाहता हूँ, अभी इसी वक्त शादी कराऊंगा। चलो आइए आइए ठाकुर साहब। चंद्रकांत, अपने बेटे को अस्पताल से ले आए क्या? जी हुजूर। तुम्हारे बेटे की हालत कराने वाली शिव नागेश्वरी उससे शादी करने के लिए यहाँ आई है, बुलाओ अपने बेटे को। कुमार, कुमारदास, ये सब क्या है? ये मेरी पत्नी सुजाता, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पसंद ना करने वाली शिवनागेश्वरी के साथ एक अपाहिज की जिंदगी कैसे बीतेगी पता नहीं था, इसलिए आज तक हॉस्पिटल में मेरी देखभाल करने वाली सुजाता से शादी करने का फैसला किया और आज शादी भी कर ली। आप बड़े हैं, कोसिएगा नहीं, आशीर्वाद दीजिए। जो वचन ना निभा सका वो किसी को क्या आशीर्वाद देगा। तुम्हारे फैसले को भगवान के चरणों में रखकर सर झुका कर जा रहा हूं। रुक जाओ, आप सब भगवान मानने वाले इस बड़े आदमी ने इस कुमारदास के अलावा किसी और से मेरी शादी नहीं होगी कहकर मुझे बदनाम करके हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर मेरी शादी रोक कर चुनौती दी थी। अब आप लोगों ने देख लिया, कुमारदास ने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली है, अब मैं क्या करूँ बताइए? मुझे मारो काटो कहकर चिल्लाने वाले आप लोग अपना मुंह खोलकर जवाब दीजिए मुझे। तुम लोग इस तरह खामोश खड़े मत रहो। जिस लड़के के साथ इसकी शादी होनी थी उस जन्म में इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता बोलकर हमारे ही मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया है। आज तक इस इलाके के हर मामले में ठाकुर भवानी प्रताप सिंह फैसला सुनाते थे, अब मैं फैसला सुनाता हूँ। शादी से पहले ही मेरी बेटी को बेघर करने के कसूर के प्रायश्चित में भवानी प्रताप सिंह को ही मेरी बेटी से शादी करनी होगी। तुम औरतों का बहुत आदर करने वाले महान हो ना, इसकी शादी अब तक दो बार टूट चुकी है, अब इसके साथ कौन शादी करेगा? तुम चाहो इससे शादी करो या इसे मार डालो, तुम्हारी मर्जी। शिव नागेश्वरी, इस पल से तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम्हें इसके हवाले कर रहा हूँ। फिर कभी हमारे गाँव अकेली आई तो चीर डालूंगा। आना है तो पति के साथ आओ, नहीं तो यही मर जाओ। गाड़ी में बैठो। आखिर ये नागिन भैया के पास क्यों जा रही है? पान खाओगे भवानी? इन आंखों में बहुत चमक है भवानी, तुम्हारी आंखों को देखकर दुश्मन की धड़कन रुक जाती है, लेकिन लड़कियां इन आंखों पर मर मिटेंगी। पीठाधिपति की बातें मैंने सुनी। बेचारे, सचमुच तुम मुसीबत में फंस गए हो। तेरी वजह से, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो चली जाए, यही मदद है। पहले तुम मुझसे शादी कर लेना, उसके बाद अगर तुम श्रुति से भी शादी करना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं, ऐसा लिखकर दे दूंगी। उसे दूसरी बीवी बना लेना। चुप क्यों रहती हो भाभी, वो लड़की तेज जा रही है, तुम भी जाओ। तुझे इतना घमंड, तू क्या मुझे भीख दे रही है? और क्या, सुहाग की भीख, बिना मेरे मर्जी के भवानी तुमसे कैसे शादी करेंगे? 50 जन्म भी ले ले, तू भवानी की बीवी नहीं बनेगी। लेने वाले जन्मों की बात क्यों, इस जन्म में ही बनूंगी ना। आप बोलते क्यों नहीं भवानी? धर्म इनके गले में अटक गया है, ये क्या बोलेंगे? मुझे भगवान पर भरोसा है, तुम्हारे इस सवाल का जवाब कोई मनुष्य नहीं दे पाएगा, भगवान ही दे पाएगा। नागिन का मनुष्य से शादी होना नामुमकिन है। अच्छा, कल नाग पंचमी है ना, नागराज के मंदिर में जब दूध चढ़ाने जाऊंगी तब पूछ लूंगी।
भाभी भाभी क्या है? यहाँ के नागराज बहुत पावरफुल है, कटोरी भर दूध पिलाने से जो भी मांगेंगे दे देंगे। कल उससे पहले वहाँ पहुँच कर हम दूध पिलाएंगे और उस चुड़ैल से पीछा छुड़वाने की विनती करेंगे। हाँ करेक्ट। चलो चलो। हे नागराज, तेरी महिमा अपरंपार है, श्रुति जल्दी से मेरी भाभी बन जाए ऐसा आशीर्वाद दे दे। जल्दी चढ़ाओ वरना वेटिंग लिस्ट में रह जाओगी। अच्छा हाँ? एक लोटा रानीगंज वाला दूध देना। चलो हे नागराज, मेरे माँ बाप ने मुझे नाग का ही नाम दिया है, फिर भी मेरी शादी होने से कुछ दुष्ट शक्तियाँ रोक रही हैं। उन्हें जी भर के डस के मेरा रास्ता क्लियर कर दे भगवान। वो तीन ऐस वाले भवानी कम से कम तीन जन्मों के लिए मेरे हो। काजल फिक्र मत करो, दूध पहले तुमने पिलाया था ना, नागराज तुम्हारी बात सुनेंगे। ये घूस का जमाना है ना, वो तो बड़े लोटे से डाल रही है, कहीं उसकी बात सुन ली तो ठीक है, हम घड़े से ला के डालेंगे। ठीक है चलो। हे खुशीराम, हमको बड़े घड़े में गाय का दूध चाहिए। देख लो नाग देवता, तुम्हारे लिए घड़े में दूध लाई हूँ। अभी तक शिव नागेश्वरी ने जो कुछ भी बताया सब भूल जाओ, अब मैं जो बोल रही हूँ वो फाइनल है, बस इसे याद रखना। अरे हम कहे डरे, अरे हम दूध पानी जो मिला है उनको मालूम है ना, कहीं डस लिए तो बाबा भाई। अरे हमने भी तो पानी मिलाया था ना। हाँ, बहुत मिलाया था। भागो। अब क्या करें काजल? हाँ, कल भैया का जन्मदिन है ना, पहले तुम ही उनसे मिलके हैप्पी बर्थडे बोल देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों? मर्द के चरणों के पास बैठेगी तो दासी बन जाएगी, सिर के पास बैठेगी तो उनके बराबर के दर्जे वाली बीवी बनकर रहेगी। उसने सर के पास डेरा जमाया है। उसका दिमाग घुटने में है, इसलिए पैरों के पास की सीट छोड़ दी, वही तुम्हारी लकी सीट है। अगर पैर के पास बैठोगी तो भैया आँख खोलते हैं पहले तुम्हें देखेंगे। जाओ ना भाभी। क्यों रे, फैशन परेड करने आई है? इन पर डोरी डालने का इरादा है? डोरा डालने की मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरी इनसे शादी तय हो चुकी है, तेरी तरह हिलाने नहीं आई हूँ। वैसे तेरे साथ मेरा क्या मुकाबला, तू तो खेतों में लगे सरपत के पुतले की तरह लगती है। तू क्या है, लाठी को साड़ी पहनाए जैसे लगती है, ज्यादा बोलेगी तो गला घोट के मार डालूंगी। मुझसे पंगा मत ले, मैं नागेश्वरी हूँ, डस लूंगी। अरे जा, तुझे डसने वालों में नहीं काटने वालों में गिनना चाहिए। ठीक, इसकी शक्ल तो देखो, कभी खुद को आईने में देखी है? तेरी शक्ल जली हुई रोटी की तरह है। अगर मैं जली हुई रोटी हूँ तो उबला हुआ आलू है। आलू तू है, तू है, तू तो सड़ा हुआ टमाटर है। तू है, तू है, तू है, तू है, तू है, तू है, है। चल भाग, चल भाग, मेरे शौहर है। तू बकरी है, तू ही, तू ही एकदम बंदरिया जैसी दिखती है। तेरा बाप गोरिल्ला। चल हट, तू हट। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक्स, क्या चाहिए बोलो। आपका आशीर्वाद ही काफी है भैया। शुभम, तुम दोनों क्यों आई हो? हैप्पी बर्थडे। कहाँ से आ रही हो बहू? वो उस अटैची में क्या है? अटैची में अब तुम नर्स नहीं हो, मेरी बहू हो, हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है बाबूजी। तुम्हारे चेहरे का यह पसीना बता रहा है कि ऐसा जरूर कुछ हुआ जो होना नहीं चाहिए। लव इट। कुछ भी नहीं है बाबूजी। अरे दो ना, कुछ भी नहीं है। अरे दो ना।
इतने रुपए कहाँ से आए बेटी? इनसे शादी करने के लिए शिव नागेश्वरी के दिए 20 लाख हैं बाबूजी। बीस लाख के लिए प्रतापगढ़ के वीर के स्वाभिमान को बेच खाए तूने? बाबूजी इन्हें कुछ मत कीजिए, उन्हें कुछ मत कीजिए बाबूजी। सुजाता इन्हें मत रुको, आइए बाबूजी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद भी अगर आपको महसूस होता है कि मैं धर्म के मार्ग पर नहीं चला और ठाकुर साहब के साथ विश्वासघात किया तो मेरा सर काट के ले जाइए और ठाकुर साहब के चरणों में डाल दीजिए। तो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है तो इन रुपयों से पता चलता है, और क्या सबूत चाहिए? उनका नुकसान करने के लिए मैंने ये काम नहीं किया, उनकी जान बचाने के लिए किया था। मैं शिव नागेश्वरी हूँ, तुम्हारे प्रतापगढ़ की देवता ने तुम्हारी शादी की कंडीशन जिनके साथ रखी थी उस रुद्र प्रताप सिंह की बेटी। पिताजी ये सैंडल अच्छी नहीं कहने पर लंदन से दूसरी मंगवाते, इंडिया का आटा अच्छा नहीं कहती तो अमेरिका से मंगवाते, और तुम खुद को देखो नंगे पैर घूमने वाला रास्ते का भिखारी जिसके नसीब में दो वक्त की रोटी नहीं, तुम मुझसे शादी करोगे? जिस पति को मैं मन से अपनाऊंगी उसकी आयु के लिए मैं व्रत रख सकती हूँ, लेकिन जिसे मैं पसंद नहीं करती आधा मिनट काफी है खाने में जहर मिलाकर उसे मारने के लिए। डरना नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मेरी शादी तुमसे करने की कंडीशन रखने वाले उस भवानी प्रताप सिंह को। हाँ। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हें तकलीफें हुई, इसलिए इस नर सुजाता को मनवाकर साथ लाई हूँ। 20 लाख इस लड़की को दे रही हूँ, जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करती रहेगी। भवानी प्रताप सिंह को जिंदा देखना है तो तुम इस लड़की से शादी करोगे? मैं वो नागिन हूँ जिसके दंश से कोई नहीं बचा। मैं सुजाता से शादी करूंगा। That's good. ये लो तुम्हारा दहेज। शिव नागेश्वरी से ठाकुर साहब की जान पर कोई खतरा ना हो जाए ये सोचकर मैंने ऐसा किया था, लेकिन वो औरत मुझसे ये काम करवा के मौके का फायदा उठा रही है और ठाकुर साहब का जीना दुश्वार कर रही है, ये अब मैं जान गया हूँ। ये लो अपने रुपए, तेरे बाप के पास जायदाद हो सकती है, रुपए हो सकते हैं, हमारे पास विश्वास है। इस दुनिया में जायदाद और रुपए से जो नहीं खरीदा जा सकता है वो विश्वास है। ठाकुर साहब का नमक खाया है, उनके लिए जान भी दे देंगे। वफादारी की ताकत है इन हाथों में, अपनी गलती मान लो नहीं तो तेरा गला घोट के मार दूंगा इन हाथों से। कल कार्तिक अमावस्या है, आयुध पूजा करने के लिए देश के कोने कोने से हजारों लोग प्रतापगढ़ के चंद्रकेश भगवान के मंदिर में पहुंचेंगे। वहां तूने जो किया उसका मैं खुलासा करूंगा। अगर लोगों ने यह फैसला किया कि मैंने ठाकुर साहब के वचनों को तोड़कर गलत काम किया है तो मैं तुझसे शादी करूंगा। दूसरी शादी करोगे तो इसका क्या होगा? मैं इन्हें तलाक दे चुकी हूँ, ये मैं दुनिया के सामने बोल दूंगी। अपना किया गुनाह कबूल कर ठाकुर साहब की जिंदगी से दूर जाती है या मेरी बीवी बनना पसंद करेगी? कार्तिक अमावस्या तेरे जीवन की अमावस्या न बन जाए, याद रखो। Thank you.
जय चंद्रकेश्वर। शांत हो, शांत हो, शांत हो। खड़क स्नान का समय हो गया, चलो चलते हैं। अन्याय को जड़ से मिटाने के लिए प्रतापगढ़ की रणभूमि में गिरना पड़े, उस वीर गति को विजय मानकर सिर्फ जीत के लिए ही नहीं, जरूरत पड़ने पर शहीद होने के लिए भी जंग लड़ने वाले मेरे पूर्वजों, उन दिनों आपने जिस आयुध से युद्ध किया वो यही है। हजारों के खून से गर्म इस तलवार को हर साल नए खून से ठंडा करके झील में डुबोकर शांत करने का रिवाज है। पिछले 800 सालों से यह परंपरा जारी है और जारी रहेगी। हमें आशीर्वाद दीजिए। जय चंद्रकेश्वर, जय चंद्रकेश्वर। ठाकुर साहब, मैं भी आपके साथ झील में नहाऊंगा। पीठ में छुरा भोंकने वालों को मैं दुश्मन नहीं मानता, शायद इसमें डुबकी लगाने से तुम ठीक हो जाओ। आ जाओ। जय चंद्रकेश्वर। कुमारदास कहाँ है? क्या हुआ ठाकुर साहब? कुमारदास बाहर नहीं आया। कुमारदास कहाँ गया? कुमारदास, कुमार को ढूंढो, चलो। प्रताप सिंह, वो तो कभी का मर चुका है। तुम सचमुच इनके भगवान हो, प्रजापालक हो, तो इसकी जान क्यों ले ली तुमने? रुक जाओ, पीछे हटो, सब पीछे जाओ। वाह वाह, ये लोग मुझे मारने आएंगे और तुम मुझे बचाओगे। तुम तो वाकई बहुत बड़े एक्टर हो भवानी प्रताप सिंह, तुम्हें तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। शिव नागेश्वरी, तू चाहे जितना भी झूठ का सहारा लेना है ले ले, ये हमारे भगवान है, प्रतापगढ़ के शेर है। मेरे बेटे की मौत से इनका कोई संबंध नहीं है। जरूर है, कल तुमने और तुम्हारे बेटे ने मुझे धमकी दी थी, प्रतापगढ़ छोड़ के जाने के लिए कहा था, इसलिए आज मेरे लोग यहाँ आए हैं ताकि तुम्हारा पर्दाफाश कर सके। अपनी बेटी की शादी इस कुमार से आज कार्तिक अमावस के दिन कराऊंगा सोचकर तुमसे बताने के लिए आया था। अगर ये जिंदा रहे तो अपने लिए समस्या है कहकर तुमने उसे पानी में डुबाकर बेरहमी से मार दिया। इसकी मौत सिर्फ एक हादसा है या जानबूझकर किया गया, ये फैसला न तुम करोगे न हम करेंगे, कोर्ट करेगी। उस दिन अधर्म का साथ दे रहा हूँ कहकर आपने मुझे वापस भेजा था, आज मैं धर्म का साथ देने आया हूँ। कृपया जीप में बैठिए। जो जीवित है उनका सौदा करते हुए तो देखा है, पर लाश का सौदा करना
मुर्दों को रख के राजनीति करना पहली बार देख रहा हूं। पीठाधिपति जी, कुमार के दाह संस्कार का इंतजाम कीजिए। भगवान तुम्हारी समस्या कैसे सुलझाएगा यही सोच रहा था, तो उसने ये मार्ग अपनाया। मनुष्य की सिर्फ दो आंखें हैं, भगवान की तो कण कण में आंखें हैं। वो ऊपर वाला और मेरा दिल जानता है कि सच क्या है, फिर भी कानून की मर्यादा रखूंगा। ठाकुर साहब, मेरा बेटा जिंदा है। ठाकुर साहब, ये मरा नहीं, जिंदा है। ये अभी तक मरा नहीं, जिंदा है। इसे जल्दी अस्पताल ले जाओ, जाओ। पीठाधिपति जी, कार्तिक अमावस के समारोह में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, आप जुलूस जारी रखिए। अच्छा भगवान, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज कार्तिक अमावस का शुभ दिन है, सभी का ध्यान उस पर रहेगा, पूरा गांव उस जुलूस में भाग लेगा। उस चंद्रकांत और उसके बेटे के सिवाय अस्पताल में कोई नहीं रहेगा। इस मौके का फायदा उठाकर मरकर जिंदा होने वाले उस कुमार को हम फिर मारेंगे, अगर कोई हमें देखे उसे भी खत्म कर देंगे। वीरों को मारने वालों को तो मैंने देखा है, पर लाश को मारने वाले तुम जैसों को आज पहली बार देख रहा हूं। मेरा बेटा तभी मर गया था, उसे मारने वाले तुम ही हो, ये सच बाहर लाने के लिए ही मैंने झूठ बोला कि वो बच गया है। मेरा बेटा जब जिंदा था तब उसकी वजह से ठाकुर साहब को अपना सर झुकाना पड़ा, लेकिन इसकी लाश उनके काम आई। ये है हमारे परिवार की वफादारी। अपना जुर्म कबूल कर खुद को कानून के हवाले करना चाहते हो या मेरे हाथों मरना चाहते हो? माना कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी कुमार से हमारा बहुत बड़ा रिश्ता है। मैंने तुम्हें खुद को कानून के हवाले करने का मौका दिया, लेकिन तुमने कानून का ही गला घोंट दिया। ये उस जमाने में प्रतापगढ़ के राजाओं की भैरव खड़ग है, जुल्म करने वालों को काट डालने वाला हथियार। तुम्हारे हाथ में हथियार है, हम निहत्ते हैं। Hey!
चन्नकेशवा, जय चन्नकेशवा। भवानी शांत हो जाओ, वो केवल दुष्ट ही नहीं महान नीच है। इस कार्तिक अमावस्या की पुण्यतिथि पर उनका खून इस मिट्टी पर पड़ जाए तो वो स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांत हो जाओ। नहीं पिताजी, उसके सामने हाथ मत जोड़िए। आप हमेशा अपनी इज्जत को जान से भी बढ़कर मानते आए हैं। पहले इज्जत के लिए माँ को मार दिया था, फिर दीदी को। आप अगर हाथ जोड़कर सर झुकाएंगे तो मेरा जो अपमान हुआ उसका क्या होगा? मुकाबला कीजिए पिताजी, जान के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। शिवनागेश्वरी, ये लोग मुझसे लड़ेंगे, अगर मैं एक बार गुस्से से फूंक मार दूं तो उस फूंक की गर्मी से ही जल जाएंगे। नहीं, मेरी आंखों में जो इंतकाम की आग है उसमें तुम सब जलकर राख हो जाओगे। देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम्हारी आंखों में, भक्तों की आंखों में जैसे भगवान दिखाई देते हैं वैसे ही मैं दिखाई दे रहा हूँ। मैं नहीं मानूंगी, तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुमसे लड़ूंगी। हाथों में दबोच लिया तो परिंदे की तरह फड़फड़ाएगी, तुझसे मैं क्या लड़ूं? मरने से डरते हो, ये मानते क्यों नहीं? भीष्म को भी शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने मारा था, आज इतिहास बदल कर शिखंडी बनी, तू मुझे मारना चाहती है? बेशक मार सकती है, मार। क्यों घबरा गई? अगर मुझे खरोंच भी आई तो मेरे लोग तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे, सोच रही है? सबको मेरी कसम, अगर ये मुझे मारना चाहती है तो इसे मारने की इजाजत मैं खुद देता हूं, इसे कोई कुछ नहीं करेगा। मार। मारना तो दूर, मेरी वजह से एक औरत मर जाए तो मैं प्रतापगढ़ का सपूत नहीं। तुम्हारी खुद को मिटाने की कोशिश ही ये जाहिर करती है कि तुम पश्चाताप की आग में जल रही हो, और पश्चाताप से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं। शिवनागेश्वरी, औरत को तुमने गलत समझा है, खून और बदले की भावना से तुम औरत को देख रही हो। औरत तो प्यार और ममता का प्रतीक है, औरत काली के रूप में नहीं दुर्गा के रूप में अच्छी लगती है। भवानी, तुम मुझे भा गए, तुम्हारा अंदाज मुझे भा गया। लड़ाई से पहले अगर तुम हमारे घर आते और मैं तुम्हें देखती तो मैं अपना दिल तुम्हारे कदमों में डाल देती। मैं तुमसे बदला ले रही हूं सोचकर तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन इसकी वजह प्यार है, ये मैं आज जान सके। इस जन्म में श्रुति तुम्हारी पत्नी है, इसके बाद अगर कोई जन्म है तो तुम्हारी प्रेमिका बनकर मैं तुमसे शादी करूंगी। संध्याकालीन पूजा का समय हो गया भवानी, चलो। जय चंद्रकेश्वर।